sir, thank you so much. जो हमारे मीडिया के फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे पूछे दो आवाज़ें तो इस कैरेक्टर के लिए पिच किया गया तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था और आपके माइंड में स्टारफिश के क्या मायने हैं और फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है तो किस तरह से आप इस कैरेक्टर से रिलेट करते हैं और कितने सेटिस्फाइड हैं आप अपने रोल से? बहुत सारे क्वेश्चंस किससे मैं शुरू करूं? तो मैं शुरू करती हूँ. सबसे पहले जब ये रोल आया तो मेरे को ना समुंदर पानी बहुत पसंद है, स्विमिंग बहुत पसंद है. एंड आई से थैंक्स टू माय ब्रदर, जब मैं छोटी थी ही टू थ्रो मी इन द पूल और ना वो अंडर वाटर ऐसे मैं बहुत छोटी थी तो पानी के अंदर ले जाके ही टू काउंट थोड़ी देर के लिए ही टू पुश मी अप कि मैं सांस ले लूँ फिर वापस अंदर. तो जो भी मेरा डर था ना पानी से वो कम्प्लीटली निकल गया था. एंड आई रियली इन्जॉयड, आई लाइक आई कैन जम्प इन द वाटर ओशन, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता, मज़ा आता है. सो दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज इन्जॉयड. वेन आई गॉट दिस रोल वेयर द कैरेक्टर इज अ कमर्शियल डाइवर, सबसे पहले वो प्लेजर के लिए नहीं डाइव कर रही है, शी इज डाइविंग टू शी क्लीन्स द ओशन. वो एक ड्रेजिंग कंपनी में काम करती है जो शिप रेक्स के बाद डेब्रीज होते हैं, डेड बॉडीज होते हैं, उनको साफ करने का काम. तो इट्सेल्फ बहुत ही चैलेंजिंग रोल था ये. और मतलब जो भी मैंने पहले जो फिल्म की है उसमें हमेशा एक कैरेक्टर की लेयर्स होती है, बट इधर था कि एक कैरेक्टर का अपना एक प्रोफेशन है, उसके अंदर रहकर यू हैव टू स्टिल बी इन योर कैरेक्टर. दैट वाज अगेन चैलेंजिंग, बट अगेन यू नो इट पुशेस यू एज एन एक्टर, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो एक्सप्लोर दीज रोल्स. तो मेरे को बहुत मज़ा आया ये करके. चैलेंजिंग भी था क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी, इट वॉज़ नॉट ईजी. और पूरा टाइम बार बार रीटेक्स करना, पानी में जाना, यू नो बॉडी वॉज गेटिंग स्वेल्ड अप, यू वर गेटिंग ब्रेथलेस ऑल्सो. कोई कोई सीन्स स्केरी भी थे बिकॉज यू आर इनसाइड द वाटर, यू आर डूइंग ड्राउनिंग सीन्स एज वेल. तो उसमें डर भी लगा, बट इट वॉज जस्ट माई आई थिंक आई वुड से माई पैशन, माई लव फॉर सिनेमा दैट जस्ट केप्ट मी गोइंग एंड केप्ट मी परफॉर्मिंग. और विद ऑल गॉड्स ब्लेसिंग्स जो वहाँ पे वेदर कंडीशंस थे, आई स्टेड ऑल फिट एंड फाइन फॉर ऑल द डेज. हम लोग जब सी में शूट कर रहे थे तो ज़्यादातर सब लोगों को सी सिकनेस होती है. वी वर स्टेशनरी ऑन द बोट इन मिडल ऑफ द ओशन, सो देर आई स्टेड स्ट्रॉन्ग. हमारा पूरा क्रू सब लोग को डिजीनेस हो गई थी. आई थिंक द ओनली पीपल हु वर फाइन वाज आवर डीओपी, आवर डायरेक्टर एंड द एक्टर्स. सो वी केप्ट रोलिंग. तो मज़ा आया एंड आई होप आप लोग को भी मज़ा आए जब आप ये फिल्म देखेंगे ऑन 24th November. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एवरीवन्स रिएक्शन टू दिस. एंड एस्पिरेशंस यू सेट फॉर योरसेल्फ गोइंग फॉरवर्ड? सी एज आई जस्ट सेड, इट्स ऑलवेज द कैरेक्टर यू नो दैट यू लुक फॉरवर्ड टू प्ले, वेर यू कैन, वेर देर आर डिफरेंट लेयर्स टू इट, वेर यू कैन शो योर एबिलिटीज एज एन एक्टर टू परफॉर्म. एंड स्टारफिश has given me those opportunities over here. There are a lot of layers from her. Tara is not a very simple and an easy character that you would just go on set and you would perform. No, it's a whole journey. It took me more than a month to get into the skin of a character. For me, the process starts with, you know, reading the script multiple times and then slowly and gradually, you know, वो कैसी दिखती है, वो कैसे क्या पहनेगी. आई डिज़ाइन द लुक इज़ वेल फॉर तारा. धीरे धीरे आई थिंक वो विजुअल्स आने लगते हैं वंस यू स्टार्ट टू नो द कैरेक्टर, यू स्टडिंग अबाउट इट, रीडिंग अबाउट इट डे एंड नाइट. एंड स्लोली आई स्टार्टेड टू गेट टू नो हाउ शी विल लुक, हाउ शी इज़ गोइंग टू बिहेव, देन पुट इन द बॉडी लैंग्वेज इन टू द होल कैरेक्टर, हाउ शी इज़ गोइंग टू टॉक, व्हाट हर टोन इज गोइंग टू बी. सो डिस्कवरिंग ऑल ऑफ दैट, दैट एंटायर प्रोसेस. And yeah, that was like reaching to Tara. And I'm hoping like, you know, the audience would like it. I've really put part of my soul to play her and I hope people connect to it. Thank you. Hi, this is to the entire team for an amazing trip. This is to the director.